चैप्टर 18 के अंदर हम लोग जो टॉपिक हमारा पढ़ रहे हैं वो है जो विभिन्न आर्थिक महत्व के पादप है वो, उसके अंदर हम लोगों ने रेशे किन से प्राप्त होते हैं वो पढ़ चुके हैं, और जो तेल होते हैं तेल के प्रकार कौन से होते हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं, और तेल देने वाले जो पादप है वो कौन कौन से होते हैं वो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा। अभी आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मसाले प्रदान करने वाले जो पादप है वो, और औषधीय पादप जिनसे हमें दवाइयां मिलती है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ठीक है, क्योंकि आपके जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर में वीडियो बना के आप लोगों को जो है स्पोर्ट्स के मसालों वाले कौन कौन से मसाले हैं कैसे कैसे दिखते हैं मैं आपको एक दिन वीडियो बना के कल या परसों आई थी वो वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो एक आपका प्रैक्टिकल जो है स्पॉटिंग का वो कम्प्लीट हो जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। आ गई बात समझ में, होमवर्क है, फाइल वर्क जो है हम लोग आपको दे रहे हैं, कॉपी के अंदर आप लोगों को उसको करना है, समझ आ गया। तो देखो सबसे पहले मसाले क्या चीज होती है। देखो भोजन में हम मसालों का यूज करते हैं, एग्जाम्पल जो आप पढ़ते हो जैसे कि लौंग हो गया, काली मिर्च हो गई, काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है, और इलायची, इलायची क्या कहलाती है, रानी कहलाती है ना। तो काली मिर्च राजा है, इलायची रानी है, तो लौंग, काली मिर्च, इलायची है ना, उसके बाद हल्दी, उसके बाद अजवाइन, और क्या होती है, हींग, ये सब चीजें जो होती है। हींग तो खैर औषधीय पादप में दिया हुआ है आपके, लेकिन हम यूज करते हैं टेस्ट के लिए। तो मसाले वो इंग्रेडिएंट है जो हम भोजन में यूज करते हैं, लेकिन उनसे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, कैलोरी प्राप्त नहीं होती, बट इनसे इनसे क्या होता है, भोजन में इनको मिलाने से भोजन का टेस्ट बढ़ता है ठीक है। जैसे ही आप लोग अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि घर में कुछ टेस्टी जैसे बना हो, एक अलग सी स्मेल आती है, जैसे दाल की अलग से स्मेल आ गई आपको है ना, या और भी कुछ अदर चीज जो बनाई उसकी तेज स्मेल आती है, तो आपकी जो ग्रंथियां होती है ना, पाचक ग्रंथियां, वो सक्रिय हो जाती है और एंजाइम बनाना शुरू कर देती है, और उससे आपको क्या होती है, भूख लगती है। तो मसाले वो पदार्थ है जो क्या करते हैं, हमारी भूख को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं है ना। तो हमारी जो पाचक ग्रंथि है उनको सक्रिय करते हैं, ना कि हमें ऊर्जा देते। तो जो स्वाद है वो बढ़ाने का काम करते हैं मसाले। तो देखो थ्योरेटिकल चैप्टर रह चुकी, तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन से पादप जो है वो दिए हुए हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो मसाले उत्पादक पादप में हेडिंग आपके सामने दी हुई है, मानव और मसालों के सहयोग की कहानी अत्यंत रोचक है ठीक है। प्राचीन काल में स्वर्ण सोने के बाद मानव की सबसे तीव्र लालसा मसालों के प्रति रही है, यानी सोने के बाद अगर प्राचीन काल से देखते हैं तो उत्पादन, आयात और निर्यात किसका किया जाता है, मसाले का किया जाता है। उस काल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मुख्यतः इन्हीं वस्तुओं का किया जाता था, मतलब पहले के टाइम में सबसे ज्यादा जो व्यापार किया जाता था वो मसालों का किया जाता था, फिर है या फिर सोने चांदी का किया जाता था या आभूषणों का करते थे ना। हिल है, उन्होंने 1952 में मसालों की परिभाषा इस प्रकार दी है, सामान्य रूप से शुष्क व कड़े पादप पदार्थ जिनमें सघन तेल उपस्थित हो मसाले कहलाते हैं। डेफिनेशन है, ऐसे सूखे हुए और कड़क पदार्थ जिनमें क्या होते हैं, गंध युक्त तेल उपस्थित होती है वो मसाले कहलाते हैं, जिनका प्रयोग चूर्ण के रूप में यानी चूर्ण बना के इनको पीस कर हम इनका प्रयोग करते हैं। मसालों को सामान्यतः खाद्य अनुबंध कहा जाता है, फूड एडजस्टेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पोषक तत्वों व ऊर्जा के स्रोत के रूप में मसालों का विशेष महत्व नहीं होता, यानी इससे हमें कैलोरी नहीं मिलती है, कोई ऊर्जा हमें नहीं मिलती, लेकिन इसके प्रयोग से भोजन अत्यंत स्वादिष्ट, रुचिपूर्व व सुगंध युक्त हो जाता है तथा पाचक व पोषक हो जाता है, मतलब काफी पाचन जो है, जैसे कि कई चीजें हम लोग मिलाते हैं मसालों के रूप में यूज करते हैं, लाइक हल्दी है पचाने में क्या करती है, मदद करती है, बैक्टीरिया को नष्ट करती है, एंटीबायोटिक होती है ना। तो स्वादिष्ट बनाना इनका काम होता है, खाने योग्य बनाना काम होता है, सुगंध आती है मसाले डालते ही है ना, तो और पाचक तथा पोषक हो जाते हैं। ये जठर रसों के स्राव को क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं, जिससे मानव की प्राचीन प्रणाली भली क्या कर सके, कार्य कर सके, पाचन प्रणाली जो है वो ठीक से काम करे, इसीलिए मसालों को क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है भोजन के अंदर। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है, और खाद्य अनुबंध क्यों कहा जाता है ये आपको पूछा जा सकता है। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। भारत में कई पादपों से मसाले प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार राजस्थान में भी कई मसाला पादप
पादपों की कृषि की जाती है। भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मसाले कौन कौन से हैं? लौंग, सौंफ, लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा, अजवायन, धनिया, ठीक है, हल्दी, कुरकुरमा, लौंगा, ये दिया हुआ नाम है इनके, साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, तो ये ध्यान रखना। अदरक, जिसको हम सूखी हुई अदरक होती है उसको सौंठ कहते हैं ना, तो ये सब यूज किए जाते हैं, सौंठ को मसालों के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पहला मसाला पढ़ेंगे वो है लौंग, ठीक है। वानस्पतिक नाम क्या है? सीजियम एरोमेटिकम है। कुल इसका मिटेरेसी कुल है। कौन सा भाग यूज लेते हैं कि तो पुष्प जो होता है उसकी जो कली रूप होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, मसाले के रूप में काम में लेते हैं। लौंग मॉल्यूकस नामक छोटे से द्वीप का मूल निवासी, कहाँ विकसित हुआ है ये? मॉल्यूकस नामक जो जगह है वहां पर। इसका पादप मध्य आकार का होता है, लगभग 12 से 15 मीटर होता है, सदा हरित होता है, मतलब हमेशा इस पर पत्तियां रहती है, शाखित होता है, सुंदर वृक्ष होता है। इसके गाढ़े लाल रंग के पुष्प यौगिक सीमाक्षी पुष्पक्रम होता है। सीमाक्षी होने का मतलब एक मेन फ्लावर उगता है, फिर उसके बाद नीचे टहनियों से अलग फ्लावर निकलते हैं ना, तो ये जो है सीमाक्षी पुष्पक्रम पाया जाता है। पुष्प कलिकाएं बेलनाकार होती है, कील की आकृति की होती है, मांसल आधार युक्त होती है। ये रहा देखो, ये मांसल आधार है इसका और कील के समान है। इनकी अधखुली या अखुली कलिकाओं को सुखाकर लौंग प्राप्त किया जाता है। ये जो आप लौंग देख रहे हो ना, ये एक्चुअली क्या है, अधकली कलियां हैं जो यूज की जाती है पादप से। तंजानिया विश्व का सर्वाधिक लौंग उत्पादक देश है, यानी सबसे ज्यादा लौंग कहाँ विकसित होता है? तंजानिया में। अन्य मुख्य लौंग उत्पादक देश है जंजीबार, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, मलेशिया भी सामान्य स्तर पर जो है यह पाया जाता है। भारत में भी पाया जाता है, मलेशिया, श्रीलंका में भी पाया जाता है। भारत में इसका मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, जिसमें कन्याकुमारी, नीलगिरी पर्वतमाला पे ये उगता है, केरल जो है वहां पर ये प्राप्त होता है। लौंग में एक तीखी गंध आती है, इसकी उपस्थिति वाष्पशील तेल, कौन सा तेल होता है? यूजिनॉल। ये एक नंबर का क्वेश्चन है कि लौंग की तीखी गंध किसकी वजह से होती है, तो ये आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो यूजिनॉल के कारण तीखी जो गंध आती है, और यूजिनॉल एक तेल है जिसको हवा में रखो तो उड़ जाता है ना, तो वाष्पशील है की उपस्थिति होती है, 13.2% इसकी वजह से गंध आती है। वाष्प आसमन विधि के द्वारा लौंग की पुष्प कलिकाओं से लौंग का तेल क्या किया जाता है? निकाला जाता है। आसवन विधि का प्रयोग करके क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। फिर इसके बाद है, इसके उपयोग कौन कौन से हैं? तो लौंग सुगंधित गर्म गुणों वाला पदार्थ है, जिसका मसाले व औषधि के रूप में बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। गर्म मतलब शरीर को गर्मी देता है, तो मसाले में भी इसका यूज करते हैं, औषधि के रूप में भी करते हैं। गर्म मसाले का यह प्रमुख घटक है। लौंग उत्तेजक व वातहर है। वातहर यानी जो पेट में गैस बनती है ना, उसको रिलीज करने में मदद करता है। भूख बढ़ाने वाला एक जो है मसाला है। इसका उपयोग अजीर्ण अथवा जठर खिंचाव में किया जाता है। अजीर्ण का क्या मतलब है? भोजन जिसका, जीर्ण का मतलब होता है टूटना, अ मतलब नहीं टूटना, यानी पाचन की क्रिया न होना, और जठर में खिंचाव होना, ठीक है, यानी अमाशय के अंदर किसी प्रकार का खिंचाव होता है, तो ये जो है लौंग दिया जाता है, लौंग का तेल दिया जाता है। लौंग के तेल का प्रयोग टूथपेस्ट, आपको आता है एड में आता है कि आपकी जो है लौंग और बबूल से बना है ना, इस तरह से एड में आता है, तो तेल का प्रयोग किया जाता है टूथपेस्ट बनाने में, साबुन बनाने में, प्रसाधन सामग्री बनाने में, बेकरी उत्पादक, अचार, शरबत आदि के निर्माण में किया जाता है। कई औषधियों जैसे दांत के दर्द में की जो दवाइयां बनती है उसमें यूज किया जाता है। फूले हुए मसूड़े, मसूड़ा फूल जाता है, तो खांसी की दवा के लिए, त्वचा और लोशन के लिए, आयुर्वेद के योगों में लौंग का बहुतायत में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। फिर है इंडोनेशिया के क्रीटेक नामक धूम्रपानी तंबाकू में लौंग की काफी खपत होती है। तंबाकू होता है जिसका नाम है क्रीटेक, ठीक है, ये कहाँ होता है? इंडोनेशिया में ना, तो यहाँ पर इस लौंग को मिक्स किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट मसालों का राजा, जो कि है काली मिर्च। वनस्पतिक नाम पाइपर नाइग्रम, कुल पाइपीरेसी। उपयोगी पादप भाग अपरिपक्व शुष्क ड्रुप फल है, मतलब फल का यूज किया जाता है, और शुष्क फल है जिसका प्रयोग हम करते हैं। काली मिर्च जो है वो एक फल है, ठीक है। काली मिर्च की उत्पत्ति स्थल दक्षिण भारत तथा इंडो मलाया क्षेत्र है। कहाँ पर उगता है ये?
यानी उत्पत्ति कहाँ हुई? सबसे पहले दक्षिण भारत में, और इंडो मलयालम क्षेत्र जो है या वहां पर, भारत में काली मिर्च का निर्यात सभी मसालों में सर्वाधिक होता है, यानी बेचा जाता है सबसे ज्यादा, इसीलिए इसे भारतीय मसालों का क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन है, काली मिर्च सबसे ज्यादा निर्यात की जाती है, इसलिए भारतीय मसालों का राजा इसको कहते हैं। भारत तथा इंडोनेशिया काली मिर्च के सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्र है। सबसे ज्यादा उत्पादक राष्ट्र कौन से हैं? इंडोनेशिया और भारत। फिलीपींस व शियाम में भी इसकी खेती होती है। भारत में केरल काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे ज्यादा मसाले होते ही सबसे ज्यादा केरल में है, भारत में। अगली बात समझ में। इसके अतिरिक्त कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आसाम, बंगाल में भी किसकी क्या की जाती है, खेती की जाती है। काली मिर्च का पादप दुर्लभ स्तंभ वाला, बहुवर्षी, आरोही लता वाला होता है। खंभों व किसी भी सहारे पर लिपट कर वृद्धि करता है, मतलब क्या करता है, दुर्बल होता है, इसलिए किसके सहारे लिपट कर वृद्धि करता है, खंभे के सहारे। पत्तियां सरल होती है, एकांतर होती है, अंडाकार होती है, चौड़ी काफी बड़ी होती है, तीखे स्वाद वाली होती है। अगर इसकी पत्तियां तोड़कर आप खाते हो तो आपको तीखा तीखा स्वाद लगेगा। पुष्प कम केटकिन या नतकिष्ण होता है। केटकिन होने का मतलब इस तरह से जो मुख्य अक्ष झुक जाता है, जैसे सेतूत में होता है, और सारे जो भी फल जो फूल होते हैं वो इसके ऊपर लग जाते हैं ना, तो इसको कैटकिन कहते हैं। जैसे सहतूत के अंदर होता है, सहतूत देखा है, ऐसे एक मुख्य अक्षर होता है और उसके ऊपर छोटे 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 लगे रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कैटकिन। जिसमें कितने होते हैं, 50 से 100 सूक्ष्म एक लिंगी पुष्प होते हैं। ये जो मुख्य अक्षर उसके ऊपर छोटे छोटे जो पुष्प लगे हुए हैं वो कितने हैं, लगभग 50 से 100 तक होते हैं। फल एक बीजीय गोल ड्रुप यानी अष्टिल होता है, जो अपरिपक्व अवस्था में चमकदार लाल, लेकिन शुष्क होने पर झुर्रीदार काला हो जाता है ना। जब जब तक कि इसका जो फल होता है वो एक बीज युक्त होता है, गोल होता है, ड्रुप यानी अष्टिल फल होता है, अपरिपक्व अवस्था में तो चमकदार लाल कलर का होता है, लेकिन जैसे ही शुष्क हो जाता है, सूख जाता है, तो ये काला और झुर्रीदार होता है, जो हम खाते हैं सूखा हुआ। अरे बात समझ में। अदरवाइज ये कैसा होता है, रेड कलर का होता है। फिर उसके बाद है, काली फल भित्ति हटा देने पर सफेद बीज इसके प्राप्त होते हैं, जिसे पंसारी श्वेत मिर्च के नाम से भी क्या किया जाता है, बेचता है ना। जब इसकी काली झिल्ली को हटा दो तो अंदर से श्वेत श्वेत बीज निकलते हैं, और इन बीजों को जो दुकान वाला है यानी पंसारी, वो श्वेत मिर्च के बेचता है। काली मिर्च का स्वाद तीखा एवं गंध काफी तीव्र होती है। ठीक है, ये रहा काली मिर्च का, ये जो है ये फल है इसके, ठीक है, ये लगे हुए हैं, देखो ये पूरा एक तना है जिसके ऊपर छोटे छोटे लगे, तो कैटकिन प्रकार का इसका पुष्पक्रम पाया जाता है, और ये रेड हो जाते हैं पकने पर, लेकिन इनको जब सुखा दिया जाता है तो ये से काले हो जाते हैं। फिर है उपयोग क्या क्या है, तो काली मिर्च के फल में स्टार्च पाया जाता है 28% से 49%। सरगन तेल होता है वो पाया जाता है ना। उसके बाद ये रेशे तथा अल्प मात्रा में एल्केलॉइड्स होते हैं। सरगन तेल इसमें कौन सा पाया जाता है, पाइनिन ए और बी पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इसका चरपरा स्वाद एल्केलॉइड पाइपेरिन की वजह से होता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि किसकी वजह से होता है, तो पाइपेरिन के कारण होता है। काली मिर्च का मसाले व औषधि के रूप में व्यापक उपयोग किया जाता है। खाद्य तैयारियों, सब्जियों में व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। इससे भोजन क्या होता है, जो है पाचक बन जाता है, मतलब पचने योग्य बन जाता है। ये वाथर है, ठीक है, यानी जो गैस बनती है उसको हटाने का काम करता है। पाचक होता है, लार व पाचक रसों के स्त्राव को प्रेरित करता है। नेत्र ज्योति के लिए देसी घी के साथ मिलाकर खाना चाहिए। जिनकी आंखें कमजोर है उनको काली मिर्च खानी चाहिए, लेकिन किसके साथ, देसी घी के साथ मिलाने, ताकि गर्मी ज्यादा ना करे। ठंडाई चटनी सॉस को भी ये स्वादिष्ट बनाता है। ज्वर, खांसी, कफ, सर्दी, जुकाम व गले की खराश में तुलसी मिश्री अदरक के साथ काढ़ा बनाकर इसका क्या किया जाता है, सेवन किया जाता है। मांस का परिरक्षण काली मिर्च के द्वारा किया जाता है, मतलब मांस को खराब होने से बचाने के लिए उसको किसमें लपेट के रखा जाता है, काली मिर्च में। कई आयुर्वेदिक चूर्णों के घटक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो चूर्ण आते हैं उनमें भी मिलाया जाता है। तीसरा है हमारे पास कौन सा, हल्दी है ना। नाम है इसका वनस्पति कुरकुमा लोंगा, पर्याय नाम है कुरकुमा डोमेस्टिका, कुल इसका है जिंजर बेरेसी, एक बीजपत्री है। उपयोगी पादप भाग कौन सा है, सुखाए गए भूमिगत रूपांतरित प्रकंद होते हैं। हम लोगों ने भूमिगत तनों के रूपांतरण पढ़े हैं, प्रकंद, कंद, घनकंद है ना, 11th में। तो
तो ये क्या होता है, प्रकंद होता है। प्रकंद में क्या होता है, देखो यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है, ये इस तरीके से। इसमें कई जो है संधियां पाई जाती है और पर्व संधियां पाई जाती है, और इन संधियों से अपस्थानिक जड़े हुए निकली रहती है, और ये जो आप देख रहे हो ये प्रकंद है। आगे बात समझ में हो रही है, ऊपर तना है और ये जमीन में ऐसे क्षैतिज गति करता है, मतलब ऐसे लेटा हुआ, तो प्रकंद का यूज किया जाता है। आरी बात समझ में। फिर उसके बाद है भूमिगत सुखाए गए रूपांतरित प्रकंद का उपयोग करते हैं। उत्पत्ति हल्दी दक्षिण एशिया का मूल निवासी है, यानी दक्षिणी एशिया की इसको उत्पत्ति स्थल माना जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक देश भारत, चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वेस्ट इंडीज है। भारत विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक राज्य है, एक नंबर का क्वेश्चन। और उपभोक्ता भी है, मतलब सबसे ज्यादा हल्दी खाने वाले भी क्या है, इंडिया के लोग ही है। आ गया समझ में। फिर है भारत में आंध्र प्रदेश हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सबसे ज्यादा हल्दी कौन पैदा करता है, भारत में आंध्र प्रदेश करता है। समझ आ गया। फिर है इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में भी हल्दी की व्यापक खेती की जाती है। पादप, हल्दी का पादप एक वर्षीय तथा बहुवर्षीय दीर्घ शाक है, मतलब शाखा है, जिसमें काफी मोटा भूमिगत रूपांतरित स्पंद जो स्तंभ यानी तना प्रकंद होता है। यानी भूमिगत रूपांतरण है ना, तनों के कौन कौन से होते हैं, वायवीय, अर्धवायवीय और भूमिगत। तो भूमिगत जो रूपांतरण है जिसे हम प्रकंद कहते हैं, है ना, तो वो प्रकंद इसका जो है तना है। प्रकंद भूमि में क्षैतिज फैला है, पर्ण काफी बड़ी चौड़ी भलाकार व समानांतर सिरा विन्यास युक्त होती है। पुष्प क्रम काफी लंबा पीले रंग का स्पाइक व फल इसका कैप्सूल कहलाता है ना। तो ये देखो ये चौड़ी है और ये इसकी पत्तियां, ठीक है, ये इसका जो तना है वो ऐसे रूपांतरण है, और उसपे जो जड़े निकलती है वो अपस्थानिक जड़े निकलती है। तो इसका तना जो है वो प्रकंद है और उसी को हम खाते हैं, तो ये तना है पीला पीला जिसको हम खा रहे हैं। फिर है उपयोगी पादप भाग, हल्दी के ताजा राइजोम। राइजोम का मतलब होता है प्रकंद। प्रकंद को हम साफ करके उपयुक्त संसाधनों द्वारा सुखाकर हल्दी के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, मतलब पीस दिया जाता है सुखाने के बाद प्रकंद को। यानी इस पीले भाग को लेंगे, फिर इसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद पीस के हम यूज करते हैं। हल्दी का पीला नारंगी रंग कुरकुमीन तथा कस्तूरी नुमा गंध जो है तेल के कारण होती है। पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किसकी वजह से होता है, तो कुरकुमीन की वजह से होता है पीला रंग। इसमें वर्णक पाया जाता है कुरकुमीन, इसकी वजह से। फिर है कस्तूरी नुमा जो गंध होती है, मस्की सी गंध आती है हल्दी में, एक अजीब सी, वो किसकी वजह से आता है, जिंजीबेरिन और सेस्क्विटर बीन जो है और टर्मेरिक तेल जो होते हैं उनकी वजह से, इन तेल की वजह से स्मेल आती है इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको तीनों एक एक नंबर के क्वेश्चन याद रखना है कि कौन सा भाग तो खाया जाता है, प्लस वानस्पतिक नाम, गंध किसकी वजह से होती है, और जो है पीला रंग किसकी वजह से होता है। अब आता है उपयोग, हल्दी उपयोग मसाले व औषधि के रूप में होता है। ये औषधीय पादप भी है, ध्यान रखना। तो कोई आपको अगर पूछ लेता है कि कोई तीन औषधीय पादपों के उदाहरण बताइए, तो हल्दी भी वहां पर आप लिख सकते हो, ठीक है। मेरे है मसाले के रूप में हल्दी का उपयोग सब्जियों, अचार, मक्खन, पनीर आदि में आवश्यक रूप से किया जाता है। हल्दी के रूप में ये प्रभावी रक्त शोधक है, यानी ब्लड प्यूरिफायर है, हमारे खून को साफ करता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग बाह्य तथा आंतरिक चोट के उपचार में, आपको पता है मम्मी चोट लगती है तो हल्दी लगाती है, घी में मिक्स करती है ना, तो ये चोट क्योंकि एंटीसेप्टिक है। वाथर है, मतलब जो है गैस नहीं बनने देता, पेट में गैस बन जाती तो उसको दूर करता है। कृमिहर है, मतलब अगर कीड़े बन जाते तो उनको मार देता है, तो एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक गुण होते हैं इसमें। त्वचा रोगों के लिए सौंदर्य प्रसाधन के अंदर जो ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं उनमें उबटन, और पीठी में, पीठी लगाते हैं अभी हमारे जो हल्दी लगाते हैं शादी में दूल्हे के वो या दुल्हन को, वो पीठी कहलाती है, तो उपटन या पिठी में इसका व्यापक रूप से यूज किया जाता है। सूती, रेशमी व ऊनी रेशों को रंगने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई धार्मिक व सांस्कृतिक उत्सव के अंदर पवित्र ताट के रूप में इसका काम में लिया जाता है। सर्दी, जुखाम, खांसी, पीलिया व दमा में ये क्या है, उपयोगी है, ठीक है। दूध में मिलाकर पीते हैं तो सर्दी जुखाम वगैरह इससे क्या होते हैं, ठीक होते हैं। फिर उसके धार्मिक उत्सव के अंदर प्रयोग करते हैं ना, शादी के अंदर। फिर आती है लाल मिर्च, कैप्सिकम एनुअम, इसका वानस्पतिक नाम है, कुल इसका है सोलेनेसी। उपयोगी पादप भाग, परिपक्व लाल शुष्क बेरी फल यूज करते हैं मसाले के लिए, जो हम यूज करते हैं। मिर्ची आती है वो क्या है, एक बेरी फल है, ठीक
ठीक है, फल यानी इसके सारे भागों को हम खा रहे हैं और सब्जी के लिए यूज करते हैं, वो कच्चे हरे फल होते हैं ना, कच्ची मिर्ची जो यूज करते हैं वो सब्जी के लिए करते हैं, और जो लाल है वो हम मसाले के लिए यूज में लेते हैं। उत्पत्ति, मिर्च का उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज है। भारत में इसका आगमन काफी विलंब से यानी 17वीं शताब्दी में माना जाता है। वर्तमान ठंडे क्षेत्रों के अतिरिक्त इसकी खेती विश्व में सभी देशों में होती है, जैसे कि अफ्रीका, भारत, जापान, मेक्सिको, टर्की व यूएस में। ठंडे क्षेत्रों में नहीं होती, बाकी सब जगह इसकी खेती होती है। लगभग भारत में मिर्ची की जो खेती आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, राजस्थान में बहुतायत में की जाती है। पादप, मिर्ची का पादप एक वर्षीय शाखी 2 से 3 सेंटीमीटर ऊंचा, मीटर होगा सॉरी, है ना, मीटर ऊंचा, पत्तियां सरल अंडाकार पुष्प पत्तियों के कक्ष में एकल रूप में उन्नत सफेद रंग के होते हैं। फल अनेक बीज युक्त बेरी मासल है। ये पूछा जा सकता है आपको एक नंबर का क्वेश्चन कि फल को क्या कहते हैं, तो बेरी जो है वो फल होता है। लंबे शंकाकार बेलनाकार होते, कच्चे फल हरे लेकिन पकने पर चमकदार लाल हो जाते हैं। अगली बात समझ में, चमकने क्या हो जाते हैं, चमकदार लाल हो जाते हैं। फलों में एक वाष्पशील चरका तीखा यौगिक होता है जिसको कहा जाता है कैप्सेइसिन, है ना, तथा विभिन्न मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व अन्य पदार्थ होते हैं। अब ये पूछा जा सकता है कि अब तीखापन किसकी वजह से होता है, तो ये कैप्सेइसिन की वजह से होता है। और लाल रंग जो होता है वो कैप्सेनुहीन व कैप्सोरूबीन तथा अन्य व कैरोटीन व ल्यूटीन की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है वो अलग अलग होता है। मिर्च में कई किस्में प्रचलन में है, जैसे स्वीट पीपर, बेल पीपर, प्रेपिका, टेबेस्को, ये अलग अलग प्रकार की जो है मिर्चों की जो है किस्में हैं, टाइप्स है। शिमला मिर्च एक अन्य जाति है, ठीक है, जो है कैप्सिकम फ्रूटे सेंस से मिलती है, जिसका उपयोग सलाद के रूप में किया जाता है। मिर्च की कृषि मुख्यतः शीत ऋतु में की जाती है, लेकिन कई किस्में वर्ष भर बोई जाती है। मसाले के लिए फलों की तुड़ाई दिसंबर से फरवरी तक की जाती है। पके हुए फल को सुखाकर चून बनाकर क्या करते हैं, यूज करते हैं। हम जो फल लेते हैं, हमी लेती है मिर्च, जो एक्चुअली क्या होता है, फल होता है ना, उस फल को सुखाकर और फिर क्या किया जाता है, बांटकर मसालों के रूप में काम में लिया जाता है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, इसके उपयोग क्या क्या है, तो उपयोग देखो, लाल मिर्च का चूर्ण एक प्रमुख मसाला है। एशिया तथा अफ्रीकी देशों में इसका प्रयोग सब्जियों, नमकीन, सॉस, चटनी व अचार में बहुतायत में किया जाता है। मिर्च उत्तेजक तथा वाथर है ना, खाने और आफरे, आफरे में पेट का फूल जाना, तो आफरे में रोगी को मिर्च खिलाई जाती है जब पेट फूल जाता है तो। फिर एक ग्रसनी शोथ होता है हमारा, देखो ग्रसनी कौन सा हिस्सा होता है बेटा, नासा ग्रसनी, अधोग्रसनी, मुख ग्रसनी। तो ग्रसनी जो होती है, ये वाला एरिया जो होता है वो स्वेल कर जाता है, व्यक्ति को सर्दी लगती है, बुखार आता है ना, तो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस जो जीवाणु होता है उसकी वजह से होता है ये। तो ये इसको टिंचर के रूप में गरगरारे कराए जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति का जो ग्रसनी में सूजन आ गई है वो सही हो जाती है। बाह्य रूप से मिर्च के पेस्ट का प्रयोग कमर दर्द, नाड़ी दर्द, गठिया रोग, बाल तोड़ जो होते हैं उनके उपचार में भी किया जाता है। हरी मिर्च को हम सलाद या चटनी के रूप में क्या करते हैं, काम में लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट मसाला है कौन सा, सौंफ। वनस्पतिक नाम फिनिकुलम वल्गेर, कुल इसका एपिएसी अम्बेली फेरी, उपयोगी पादप भाग है परिपक्व क्रीमोकार फल। क्रीमोकार फल जो है वो यूज किया जाता है, यानी ये जो फ्रूट होता है वो 2 हिस्सों में बट जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, सौंफ हो गया, जीरा हो गया, वो कभी कभी ऐसे ऐसे लगा रहता है, ऐसे ऐसे आपस में जुड़े हुए होते हैं ऐसे, है ना, तो ये इस तरह से होते हैं, ये क्रीमोकार फल है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है कि क्या यूज में लेते हैं, तो सौंफ ले लो, जीरा ले लो, ये सब क्रीमोकार फल है जो यूज में लाए जाते हैं। उत्पत्ति, सौंफ की उत्पत्ति भूमध्य सागरी क्षेत्र में हुई, विश्व के कई देशों जैसे भारत, मोरको, मिश्र, चीन व अन्य देशों में बहुतायत से इसकी क्या की जाती है, खेती की जाती है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व कर्नाटक इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। पादप, सौंफ का जो है तीव्र गंध वाला, काफी लंबा शाखित शाख, अर्धशुष्क होता है, मतलब आधी झाड़ी होती है, पूरी तरह से झाड़ी नहीं होता, इसकी पर्ण कई सकरे खंडों में पुनर्विभाजित होती है, खंड इसकी जो पत्तियां देखते हो वो खंडों में डिवाइडेड होती है, पर्णाधार काफी चौड़ा होता है, पुष्पक्रम संयुक्त छत्रक होता है, जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो ऐसे लगे रहते हैं,
इस छत्र के रूप में यहाँ पर, है ना, इस तरह से लगे रहते हैं, एक छत्र के रूप में इसके पुष्प लगे रहते हैं, जिसमें असंख्य छोटे छोटे हरे पीले फूल होते हैं। फल अंडाकार व दीर्घवृत्त हरे रंग का धारीदार सतह वाला विदुर फल क्रीमोकार्प होता है। इसके फल को क्या कहा जाता है? क्रीमोकार्प कहा जाता है, जो दो फलांशों में टूट जाता है। दो फलांश होते हैं, ऐसे भी बताया मैंने, ऐसे टूट जाता है दो फलांश के अंदर। ठीक है, सतह पर धारियों की संख्या 5 होती है। इसके सतह पर जो धारियां पाई जाती है ना, इस तरीके से, वो टोटल 5 होती है। फलों में जो सघन तेल होता है, एनिथोल और फेंचोन, इसकी वजह से क्या होती है? इसमें गंध होती है। कौन से तेल की वजह से? एनिथोल और फेंचोन। अर्ध शुष्क स्थिर तेल होता है। सौंफ की खेती शीत ऋतु में की जाती है। कब की जाती है? शीत ऋतु में। अब इसका उपयोग क्या है? तो फलों का उपयोग मसाले के रूप में अचार, बिस्कुट व अन्य प्रकार से किया जाता है। सघन तेल का प्रयोग साबुन, औषधीय सिरप जो होती है, दवाइयां होती है पीने की, उनमें किया जाता है। पेय पदार्थों को सुगंधित करने में किया जाता है। सौंफ जो है वाथर उद्दीपक होते हैं। शिशुओं में उदरशूल या हुक वर्म के उपचार में काम में लिया जाता है। उदरशूल यानी कुछ खाना हम खा लेते हैं तो उसे खाना खाने के बाद एकदम से पेट के अंदर जो दर्द होता है वो उदरशूल कहलाता है ना। तो वो दर्द में उसके उपचार के लिए हुक वर्म जो होते हैं, जो कृमि होते हैं, उनको बच्चों के अंदर पेट में हो जो कृमि पड़ जाते हैं उनको उपचार के लिए किया जाता है। फलों को चबाने, आफरे और गठिया में भी काम में लिया जाता है। फिर है धनिया। वानस्पतिक नाम है कोरिएंडम सैटिवम। कुल इसका है एपिएसी या अम्बलफेरी। उपयोगी पादप भाग इसका परिपक्व क्रीमोकार्प फल व पत्तियां। इसका पादप भाग जो है वो फल ही है, जिसको क्रीमोकार्प कह रहे हैं, और इसकी पत्तियां भी यूज में ली जाती है। कच्ची धनिया की पत्ती तो काम में लेते हैं ना हम सब्जी में। ठीक है, उसके बाद इसकी उत्पत्ति जो है, धनिया भूमध्य सागरी क्षेत्र का मूल निवासी है। इसकी खेती रूस, भारत, मोरक्को, पोलैंड, रोमानिया, अमेरिका में की जाती है। भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा बिहार धनिया के प्रमुख उत्पादक राज्य है। राजस्थान में बारां, कोटा व झालावाड़ में इसकी क्या की जाती है? खेती की जाती है। पादप धनिया का पादप तीव्र गंध वाला एक वर्षीय शाखा है। इसकी खेती इसके फलों व पत्तियों के लिए की जाती है। इसका पादप भाग 2 से 3 मीटर लंबा दुर्बल होता है, शाखित होता है। स्तंभ इसका कैसा होता है? खोखला होता है, मतलब अंदर कुछ नहीं पाया जाता है, ऐसे होता है। फिर है निचली पत्तियां कम खंडित होती, जबकि ऊपरी जो है बहुपिच्छकी यानी खंडित होती है। संयुक्त छत्रक होता है पुष्प क्रम। संयुक्त छत्रक होने का मतलब क्या है बेटा? वही ऐसे इस पे फ्लावर लगे रहते हैं, तो ये आपको पूछा जा सकता है। संयुक्त छत्रक होता है। पुष्प छोटे सफेद और फल ढोलकाकार या दीर्घवृत्ती क्रीमोकार्प होते हैं, है ना। फल दो फल फलांश युक्त होते हैं। सतह पर 10 अनुदैर्ध्य सीधी धारियां होती है। धनिया में कितनी होती है? 10 अनुदैर्ध्य धारियां होती है। इसके अतिरिक्त 10 लहरदार धारियां या पशुकाएं भी होती है। फलों में सघन तेल पाया जाता है, जिसका नाम है कोरिएंड्रोल, तथा गहरा भूरा स्थिर तेल होता है। धनिये की खेती भी शीत ऋतु के अंदर की जाती है। उपयोग क्या है इसका? तो उपयोग शुष्क फलों के चूर्ण का प्रयोग मसाले के रूप में होता है। सब्जियां, कड़ी, चाट में इसका प्रयोग किया जाता है। पेय पदार्थ बनाने में, जैसे कि तंबाकू के उत्पाद व अन्य खाद्य सामग्री को संरक्षित करने में भी इसका यूज किया जाता है। फलों का प्रयोग उद्दीपक, वाथर, अमाशयिक व हृदय बल्ली के रूप में किया जाता है। फिर है पकाई गई सब्जियों को सुगंधित करने के लिए चटनियों के बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है इम्पोर्टेंट सफेद जीरा या जीरा। वानस्पतिक नाम क्यूमिनम साइमी नम है। एपीएसी या अम्बलफेरी कुल है इसका। उपयोगी पादप भाग है शुष्क परिपक्व कीमोकार जो है फल है। उत्पत्ति जीरा की उत्पत्ति भूमध्य सागरी क्षेत्र के लेवांट प्रदेश में हुई। विश्व में ईरान, भारत, मोरक्को, चीन, रूस, इंडोनेशिया, जापान व टर्की में इसकी खेती की जाती है। ईरान जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश है, मतलब बेचने वाला और पैदा करने वाला जीरा सबसे ज्यादा ईरान में होता है। भारत में पंजाब व उत्तर प्रदेश में इसकी व्यावसायिक स्तर पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। फिर है जीरे का पादप एक वर्षीय प्राय अशाखित उर्ध्व छोटा शाख है। पत्तियां बारीक खंडों में विभक्त होती है। संयुक्त छत्रक है। पुष्प सफेद होते, कलिकाएं हल्के बैंगनी रंग की होती है।
फल लंबा अंडाकार क्रीमोकार्प होता है, दो फलांशों में टूट जाता है। फल की सतह पर पांच स्पष्ट प्राथमिक तथा चार द्वितीय धारियां होती है। आप देखते हो इस तरह से जीरे पर आप देखोगे तो धारियां ऐसे पाई जाती है ना। फलों में 4% तक क्यूमिनेरियल्डिहाइड तथा 10% हल्के रंग का स्थिर तेल होता है। जीरे की खेती रबी के फसल के साथ की जाती है, मतलब ठंड में की जाती है। उपयोग क्या है? जीरे के फलों का उपयोग सब्जियों को तड़का यानी छोंक लगाने के लिए, सुगंधित करने के लिए किया जाता है। भुने हुए जीरे के चूर्ण का उपयोग दही बड़ो, जल जीरा व आयुर्वेदिक चूर्ण में देखा होगा। दही जो है सेक के जीरे को बांट के और फिर दही बड़े के ऊपर डालते हैं मिर्ची और नमक के साथ, है ना। उसके बाद ये जीरा उद्दीपक होता है, अमाशय एक वाथर होता है, ये इसको दूर करने के लिए किया जाता है। अजीर्ण होने पर यानी जो है भोजन नहीं पचता है तब अतिसार के उपाय, दस्त के उपचार में प्रयोग किया जाता है। फलों से प्राप्त सघन तेल का उपयोग परिमल शाला यानी परफ्यूमरी परफ्यूम्स बनाने में किया जाता है। पेय पदार्थों को सुगंधित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मसाला है अजवाइन। वानस्पतिक नाम है ट्रेकिस्पर्मम एमी एपीएसी या अम्बलफेरीज का कुल है। उपयोगी पादप भाग परिपक्व शुष्क क्रीमोकार फल है। उत्पत्ति अजवाइन को यूरोप एशिया उत्तर अफ्रीका का मूल निवासी माना जाता है। भारत में मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में इसकी क्या की जाती है? खेती की जाती है। पादप अजवाइन का पादप सघन दुर्बल यानी 1 से 1.5 मीटर लंबा शाखित बहुपर्ण पिच्छ की पुष्पक्रम संयुक्त छत्रक फ्रूट्स इसका कीमोकार्प है। फलों में सुगंध तेल पाया जाता है। अजवाइन की खेती भी शीत ऋतु में रबी के रूप में की जाती है। उपयोग क्या है? फल वाथर उद्दीपक या प्रतिरोधी होते हैं। पेट दर्द, जोड़ों के दर्द, दमा, खांसी आदि में क्या किया जाता है? उपचार में यूज किया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट, ये एक नंबर का क्वेश्चन है। फलों में थाइमोल नामक सघन तेल प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग बाम, अमृत धारा, क्रीम, साबुन आदि के निर्माण में किया जाता है। फलों का प्रयोग मसाले के रूप में बिस्कुट, मठरी अथवा पकौड़ी बनाने में भी किया जाता है। प्रसव के उपरांत प्रसूता को अजवाइन के क्या खिलाए जाते हैं? लड्डू खिलाए जाते हैं ताकि जो भी उसके गर्भाशय के जो भित्ति टूटी है और उसको वापस रिकवर करना हो तो वो जल्दी होती है इसलिए। उसके बाद आते हैं आपके औषधीय महत्व के पादप, ठीक है। तो औषधीय महत्व के पादप हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट हम इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं बेटा, इसलिए जो वीडियो है मैं काफी लंबा बना रही हूँ, 3-4 दिन हो गए इस चैप्टर को। तो औषधीय महत्व के पादपों में पादपों का औषधीय रूप से प्रयोग उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता का। अति प्राचीन सभ्यताओं में प्रेतात्माओं को रोगों का कारण माना जाता था। पहले क्या मानते थे कि जो भूत होते हैं वो हमें बीमार कर देते हैं, या आत्माएं होती हैं वो बीमार करती हैं, और उनके उन्मूलन के लिए नशीले पदार्थों का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। फिर आया ऋग्वेद, संभवतः सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें औषध पादपों को सम्मिलित किया गया। ये एक ऐसा वेद है जिसमें हमने औषधीय पादपों को क्या किया गया? सम्मिलित किया। आयुर्वेद जो है अधिकृत भारतीय ग्रंथ है जिसमें मानव रोगों, स्वास्थ्य व औषधियों का वर्णन। ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है बेटा? जो औषधियां होती है और उनके उपचार जो है वो रोग है उनके बारे में हमको पता चलता है। भारतीय आयुर्वेदाचार्यों द्वारा रचित चरक संहिता और सुश्रुत संहिता औषधि पादपों के मौलिक ग्रंथ है। अब आपको पता है सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी, चरक ने चरक संहिता लिखी, तो उससे भी हमको पता चलता है दवाइयों के बारे में, उपचार के बारे में रोगों के। 15वीं शताब्दी में फ्रांस व यूरोप में भी महत्वपूर्ण औषध ग्रंथों का सृजन किया। हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, किसको? हिप्पोक्रेटस को। फिर है औषधि पादपों का महत्व। इनमें उपस्थित विभिन्न रासायनिक पदार्थों जैसे एल्केलोइड्स, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन, वाष्पशील तेल, श्लेष्मा, गोंद आदि के कारण होता है। ये पदार्थ पौधों के विभिन्न भागों जैसे फल, बीज, छाल, जड़, पर्ण, तनों आदि में संचित होते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य के है कि अधिकांश औषधीय पादप जंगली होते हैं। कुछ ही पादपों को औषधियों के रूप में उगाया जाता है। अधिकतर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी औषधीय पौधों से ही प्राप्त होती है। आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती है या होम्योपैथिक या यूनानी दवाइयाँ होती है वो पौधों से प्राप्त की जाती है। पाठ्यक्रम में हमारे कितने पांच जो है औषधीय पादपों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला है सर्पगंधा, चंद्रमार या छोटा चांद इसे कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम राइवोल्फिया सर्पेंटाइना है। कुल इसका एपोसाइनेसी है। शुष्क मूल और मूलों की छाल जो है वो यूज में ली जाती है उपचार के लिए। इस पादप को पागल की दवा कहा जाता है क्योंकि पागलपन में इसको दिया जाता है।
ये भारत का मूल निवासी है, विश्व के कई अन्य देशों जैसे कि बंगाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका में भी ये पाया जाता है। भारत में इसका आसाम, हिमाचल की तराई प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और अन्य व्यवस्थित स्तर पर क्या किया जाता है, इसको उगाया जाता है। राजस्थान में नहीं मिलता है। आगे बात समझ में, सर्पगंधा हमारे यहाँ नहीं मिलता। फिर है पादप, सर्पगंधा का पादप बहुवर्षीय सदाबहार रोम रहित व छोटी झाड़ी होती है, झाड़ी जो होती है वो होती है। फिर है मूल, इसकी कैसी होती है तो कंदिल होती है, लहरदार टेढ़ी मेढ़ी यानी सांप की आकृति की होती है, इसीलिए नाम इसका क्या है, सर्पगंधा। झुर्रीदार व खुरदरी हल्के भूरे रंग की होती है, ताजा मूलों में सांप की सी गंध आती है इसमें, इसीलिए नाम ही इसका सर्पगंधा कर दिया है। पर्ण सरल चक्रित व बड़ी और भालाकार होती है। पुष्प क्रम सीमाक्ष, पुष्प छोटे सफेद हल्के गुलाबी रंग के तथा फल एक बीजीय कैप्सूल होता है। फल कौन सा होता है, कैप्सूल होता है, ये चीज ध्यान रखना। औषधि पादप की लहरदार कंदिल मूलों व इसकी छाल से प्राप्त की जाती है। छाल किससे बनाई जाती है, इसकी जड़ों से, और किससे, छाल से दवाई बनाई जाती है। 3-4 वर्ष पुरानी झाड़ियों को शीत ऋतु में काट कर सुखा लिया जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम दिया हुआ है, देख लेना आप। ये देखो, ये सर्पगंधा का क्या है, जो प्लांट है वो है। राउवोल्फिया में 80 प्रकार के एल्केलोइड्स पाए जाते हैं। मूल छाल में सर्वाधिक 90% एल्केलोइड्स होते हैं। मूलों में कम व अन्य अंगों में अत्यंत कम होते हैं। छाल में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख एल्केलोइड्स होते हैं। एल्केलोइड्स वो चीजें होती है बेटा जो किसी भी पादप के अंदर जो उसका रस होता है या पादप के अंदर पाई जाती है, सीधा सीधा नर्वस जो हमारा सिस्टम होता है उसको इफेक्टेड करती है। तो कौन कौन से छाल के अंदर प्रमुख एल्केलोइड्स पाए जाते हैं, तो है रिडसरपिन, रिडसरपिनिन, उसके बाद है सरपेंटाइन, एजामेलिन, एजामेलिनिन, राउवोल्फेनिन, ये सब जो एल्केलोइड्स है ये इसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। फिर आता है इसका उपयोग, तो मानसिक रोगों व अनिद्रा, मिर्गी में जो है इसका यूज किया जाता है। हाई बीपी के अंदर, हाई बीपी का जो उपचार है उसके लिए भी सर्पगंधा जो है वो उसके एल्केलोइड्स दिए जाते हैं। ठीक है, तीव्र पागल में प्रभावी है, तो इसे पागल की दवा कहा जाता है। ये आपको पूछा जा सकता है कि पागल की दवा कौन सी है। सर्पदंश बिच्छू व कीड़ों के प्रति विष के रूप में, यानी जो जहर वाले जो जानवर होते हैं तो उनके जहर के प्रभाव को कम करने के लिए भी ये दिए जाते हैं। फिर ये सर्पगंधा गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है। ठीक है, इससे सुगम प्रसव के लिए प्रस्ताव को दिया जाता है। जो बच्चा होता है उस समय क्या होता है, पेशियां जो होती है गर्भाशय की वो सिकुड़ती है ना, तब बच्चा बाहर निकलता है। तो ये क्या करता है, अगर सर्पगंधा जो है वो दी जाए तो क्या होगा, स्त्री के जो प्रसव पीड़ा होती है वो ज्यादा होती है, गर्भाशय की जो भित्ति होती है उसमें संकुचन तेज होता है और प्रसव की क्रिया यानी जो माँ के गर्भ से बच्चा जो है वो बाहर इजिली आ जाता है। इसका काढ़ा दस्त पेशज व दांतों के दर्द में लाभकारी है। काढ़ा कृमिहर होता है, मतलब कृमि यानी जीवों को, कीटाणुओं को मारता है। सर्पगंधा में निर्मित कई औषधियां बाजार में मिलती है, जैसे कि सर्पीना, सर्पगंधा टैबलेट, घनवट्टी, गुट्टिका और स्लीपिल्स। ये जो है स्लीपिल्स पता है ना, जिससे नींद आती है, तो ये सारी चीजें जो है वो मिलती है। फिर है अफीम, अहिफेन और अमल। अमल तो आप समझते हो है ना, तो अमल जो है वो। उसके बाद है वानस्पतिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम, कुल इसका पेपेवेरेसी है। उपयोगी पादप भाग अपरिपक्व कैप्सूल फलों से लेटेक्स यानी दूध निकाला जाता है। जो कच्चे फल होते हैं, आपको पता है आंख पे आप कच्चे फल पे आप मारते हो तो दूध निकलता है, तो उसको लेटेक्स कहते हैं, तो लेटेक्स का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बीज का भी प्रयोग किया जाता है जिसको खसखस कहा जाता है या पोस्त दाना के नाम से जाना जाता है। तो दोनों भाग यूज किया जाता है, एक तो कच्चा फल अफीम बनाने के लिए और बीज जो है यूज किया जाता है खसखस जिसको कहते हैं हम। तो आपको बिनोला जो होता है वो कपास के बीज होते हैं, खसखस जो होते हैं वो किसके बीज होते हैं बेटा, वो बीज होते हैं अफीम के, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद ये उत्पत्ति, अफीम एशिया माइनर का मूल निवासी, वर्तमान में इसकी कई देशों में क्या की जाती है, खेती की जाती है। इसमें प्रमुख है ऑस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवाकिया, म्यांमार, हंगरी, भारत, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की। भारत में इसकी कृषि शीत ऋतु में की जाती है। प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार,
प्रतापगढ़ है ना, और दक्षिण पूर्वी जिलों जैसे कि चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालवाड़ा, सॉरी झालावाड़ जो है, यहाँ पर इनकी ज्यादा खेती होती है। राजस्थान में अफीम का संग्रहण फरवरी से अप्रैल माह में किया जाता है। अफीम की कृषि पर सरकार का क्या होता है, नियंत्रण होता है, क्योंकि मादक पदार्थ होते हैं, लोगों को लग लग जाती है तो काफी बुरा होता है, इसलिए सरकार के कंट्रोल में होती है, काफी महंगी बिकती है। फिर है पादप, अफीम का पादप 1 वर्षीय और शाखित उर्व 1 से 3 फीट लंबा कष्ट पादप है। पत्तियां बड़ी, एकांतर, पालवित, अव्रंत, पुष्पक्रम, एकल, अंतस्त, पुष्प काफी बड़े, आकर्षक, सफेद, बैंगनी जो है, और दल इसके क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। फल जो है वो कैप्सूल या संपूटिका है, बड़ा गोल, कपाटों से युक्त होता है, असंख्य वृत्ताकार, सूक्ष्म सफेद, तेली योग्य होते, बीज होते हैं जिन्हें हम खसखस कहते हैं। तो ये देखो आप, ये जो है अफीम का जो कैप्सूल यानी जो फल है वो दिखाया हुआ कच्चा, और ये जो बाहर निकल रहा है ये दूध, इसको हम क्या कह रहे हैं, लेटेक्स, ठीक है। इसी को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है जिसको हेरोइन कहा जाता है, और लोग इसका नशा करते हैं, ठीक है। अफीम का संग्रह अपरिपक्व कैप्सूल फलों को चीरा लगाकर लेटेक्स दूध एकत्रित किया जाता है। सामने दिख रहा है ना, ये चीरा लगा हुआ है और इससे दूध निकल रहा है, इसको इकट्ठा किया जाता है। शुष्क होने पर यही दूध शुद्ध अफीम होता है। 1,000 पौधों में से लगभग कितने, 35 से 50 ग्राम अफीम प्राप्त होती है, यानी लगभग 1,000 पौधों से हमें कितनी ग्राम मिलेगी सिर्फ, हाँ यानी आधा किलो बोल सकते हो, 1,000 में से आधा किलो अफीम मिलती है ना, इसीलिए ये बहुत कॉस्टली महंगी आती है। जैसे केसर महंगा आता है क्योंकि एक फ्लावर में से केसर की कितने रेशे मिलते हैं, लगभग 2 मिलते हैं, तो केसर महंगी है, वैसे ये भी बहुत महंगा होता है। दूध संग्रह का कार्य फरवरी से अप्रैल तक किया जाता है। कौन से महीनों में दूध संग्रहण किया जाता है, फरवरी और अप्रैल महीने में। शुष्क अफीम अर्ध ठोस, भूरा या काले रंग का होता है। फिर है अफीम का रासायनिक संगठन, यानी कौन कौन से एल्किलोइड्स पाए जाते हैं। अफीम में लगभग 25 से अधिक प्रकार के एल्केलोइड्स होते हैं। इसके अतिरिक्त गोंद, रेजिन, मैकोनिकल अम्ल जो होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख एल्केलोइड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अफीम में कौन कौन से एल्केलोइड्स होते हैं, तो मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन, नार्कोटीन और पेपा वेरिन जो है वो इम्पोर्टेंट, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जो है एल्केलोइड्स पाए जाते हैं। औषधि उपयोग क्या है, अफीम शामक है, ठीक है, सेडेटिव है, यानी नींद आती है इसको लेने से, प्रति उद्देष्टी है, यानी ये मसल्स में एकदम से कॉन्ट्रेक्शन यानी सिकुड़ना, मसल सिकुड़ जाती है एकदम इसको लेने से। फिर है वेदना आहार है, यानी दर्द जो है उसमें हमको, हम जो दर्द निवारक दवाइयां लेते हैं, लेते ही हमें नींद आ जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, एल्केलोइड पाए जाते हैं, मॉर्फिन और कोडीन नामक जो एल्केलोइड्स होते हैं, जो किससे प्राप्त होते हैं, अफीम के दूध से, है ना। तो ये मॉर्फिन और कोडीन जो होती है वो वेदना आहार या हम कहें कि दर्द निवारक दवाइयों में मिलाते हैं, इसीलिए हमें नींद आना शुरू हो जाती है और हमें दर्द जो है वो फील नहीं होता। फिर है संवेदक है, यानी इसको लेने के बाद काफी पसीने आते हैं। फिर उसके बाद है स्वापक है, यानी नार्कोटिक है, यानी हमको इसका नशा होता है। फिर संमोहक है, यानी हमको इससे क्या होती है, नींद आती है। इसके एल्केलोइड्स मनुष्य के प्रमस्तिष्क मेरु जो तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करते हैं। दुरुपयोग के रूप में अफीम से नशीला पदार्थ हेरोइन जो है वो बनाया जाता है ना, और उसको बेचा जाता है। औषधि के रूप में अफीम के नामांकित प्रमुख उपयोग है। मॉर्फिन एक तीव्र दर्द निवारक दवा है, अतः शरीर के दर्द और ऐंठन में इसका उपचार किया जाता है। कोडीन से खांसी का उपचार होता है, खांसी की दवाई लेने से भी हमको नींद आती है, क्यों, क्योंकि इसमें कोडीन पाया जाता है। अतिसार दस्तों में उपयोगी इस गुण के कारण अमल नाम है। क्या किया जाता है, अतिसार और दस्त का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको अमल कहा जाता है। यह नींद लाने वाला वह स्वापक है, यानी इससे नींद आती है। फिर नेक्स्ट आता है जो है वो है सिंकोना, वानस्पतिक नाम सिंकोना ऑफिसिनेलिस, कुल इसका रूबिएसी, और उपयोगी पादप भाग क्या है, स्तंभ की छाल यूज की जाती है। सिंकोना का उत्पत्ति स्थल दक्षिण अमेरिका तथा एंडीज प्रदेश है। भारत, इंडोनेशिया, जावा, कुनेन के प्रमुख उत्पादक देश है। जावा प्रमुख निर्यातक है। भारत में खासी पहाड़ियों, दक्षिण भारत, नीलगिरी तथा मध्य प्रदेश सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के पर्वतीय क्षेत्रों में इसके वृक्ष उगाए जाते हैं। भारत में इसकी कई जातियां पाई जाती है, जैसे कि ऑफिसिनेलिस सिंकोना ऑफिसिनेलिस है ना, फिर उसके बाद सिंकोना केलिसाया, सिंकोना लेजरियाना, सिंकोना सक्सीरूबा,
ठीक है, फिर इसके बाद इसका पादप कैसा होता है? तो कुनेन का पादप सदाबहार मध्यम वृक्ष या झाड़ी होता है, पत्तियां बड़ी सरल, पुष्प क्रम शीर्षस्थ, यौगिक सीमांश पुष्प छोटे तथा फल कैप्सूल होता है। कुनेन के वृक्ष के स्तंभ की छाल में कुनेन नामक एल्केलोइड पाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कुनेन नामक एल्केलोइड की सर्वाधिक मात्रा होती है। छाल को स्तंभ से छीलकर सुखाकर औषधि क्या की जाती है? प्राप्त की जाती है। फिर उसके बाद ये दिख रही है आपको कुनेन की छाल, इससे कुनेन प्राप्त किया जाता है। सिंकोना की विभिन्न जातियों की छाल में 30 प्रकार के एल्केलोइड की पहचान की गई। सिंकोना मतलब ये कुनेन ही है, ध्यान रखना। प्रमुख एल्केलोइड है कुनेन, क्विनिडीन, सिंकोनीन और सिंकोनीडॉन। कुछ गौण एल्केलोइड्स भी हैं जैसे कि सिंकोटीन, हाइड्रोक्विनोन और क्विनामीन। ये भी कम मात्रा में पाई जाती है पर पाई जाती है। अब इसका उपयोग कहाँ है? तो कुनेन जो एल्केलोइड है ये हम जो है इससे प्राप्त करते पादप से उसको मलेरिया की अत्यंत प्रभावकारी औषधि मतलब मलेरिया के उपचार में इसका काम में लेते हैं। प्लाज्मोडियम वाइपेक्स परजीवी की साइजोंट अवस्था, प्लाज्मोडियम हमें मलेरिया कोस करता है और उसकी कौन सी अवस्था होती है? साइजोंट अवस्था, उसको नष्ट करने का काम करता है। निमोनिया तथा अमीबीय पेचिस में कुनोन उपयोगी है। कुनेन टॉनिक व एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम में लिया जाता है। गठिया और टॉन्सिल शोथ, टॉन्सिल सूज जाते हैं ना हमारे, उनके उपचार में भी यूज किया जाता है। कुनेन के अधिक मात्रा में सेवन से बहरापन, सुस्ती, उल्टी, अंधापन या स्त्रम में अगर गर्भवती स्त्रियों को दे दो तो गर्भ गिरने के चांसेस रहते हैं। फिर आता है हींग, वैज्ञानिक नाम इसका फेरुला असोफिटिडा है। कुल इसका एपिएसी अम्बेली फेरी है। उपयोगी पादप भाग मूल कंदों से स्रावित ओलियोगम रेजिन है, ध्यान रखना। मूल जो इसकी होती है उससे एक जो है पदार्थ स्त्रावित होता है, उसका नाम है ओलियो गम रेजिन, उसका प्रयोग किया जाता है ना हींग में, ये चीज ध्यान रखना। हींग का पादप बहुवर्षीय छोटी झाड़ी है जिसकी मूले व मूल कंदे गाजर की आकृति की शंक्वाकार होती है। इसकी मूल कैसी होती है? ऐसे गाजर के समान होती है। स्तंभ ऊर्ध्व पर्णे बड़ी व विभाजित, पुष्प क्रम छत्रक व पुष्प एक लिंगी द्विलिंगी व फल छोटे होते हैं। हींग की खेती अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान, पाकिस्तान व भारत जम्मू कश्मीर में की जाती है। हींग प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष आयु की झाड़ियों को जमीन के समीप से काट दिया जाता है और कटे हुए भाग से क्या होती है, यानी जैसे ये पेड़ लगा हुआ है तो इसकी जो झाड़ियां जमीन के पास है उसको कट लगा दिया जाता है, तो यहाँ से पदार्थ निकलता है कट लगे स्थान से जिसका नाम है ओलियोरेजी। ये ओलियोरेजिन जो है वो रिसकर गाढ़ा होकर हींग बन जाता है। हींग का व्यावसायिक संगठन, व्यावसायिक हींग पीली भूरी अर्ध शुष्क शुष्क होती है, अकोशिकीय ओलियोगम रेजिन है। इसका स्वाद कड़वा, गंध तीक्ष्ण व लहसुनी होती। हींग में एक अलग सी स्मेलिंग आती है ना, हींग में कोई भी एल्केलोइड नहीं होते हैं। रेजिन के अतिरिक्त गोंद सघन तेल होते हैं जैसे कि पाइनीन, अम्बेली फेरिन तथा फेरुलिक अम्ल। ठीक है, हींग की तीखी गंध जो है वो किसकी वजह से होती है? पाइनिन तथा स्वाद जो होता है वो फेरुलिक अम्ल के कारण होता है। ये एक नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके औषधीय उपयोग क्या है? तो हींग कृमिहर है, मतलब कीड़े अगर पेट में पड़ जाते हैं तो उनको नष्ट करता है। प्रति उद्देष्टित है, मसल कंस्ट्रक्शन का काम करता है मतलब सिकुड़ने का काम करता है। वाजिकारक है मतलब सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है। वात अरे गैस को रोकता है ना। फिर उसके बाद संवेदनकारी है, अब नॉर्मल तरीके से पसीने आते हैं इसको ज्यादा ले लेते हो तो। उसके बाद है पाचक है, मूत्रक है और कफोत्कारक है, कफ को बाहर आने में, डाइजेशन को बढ़ाने में और जो मूत्र होता है उसको बाहर आने में मदद करता है। फिर ये रेचक है, कॉन्स्टिपेशन को रोकता है। कॉन्स्टिपेशन आपने अगर पीकू मूवी देखी है तो अमिताभ बच्चन जो होता है उसको पोटी नहीं आती, उसी स्थिति को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति में ठीक प्रकार से पोटी नहीं आ पाती उसको, तो उसको हींग का पानी पिलाया जाता है तो उसको क्या आना शुरू हो जाती है, ये जो कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है ये दूर हो जाती है। उद्दीपक है मतलब इसकी स्मेल से खाने की जो इच्छा होती है वो लोगों की जागृत होती है। अब कई औषधीय जो है पादप और उनके जो है भाग और काम दिए हुए हैं, ये देखो सफेद मुसली, अर्जुन, नीम, ब्राह्मी, ग्वार, पठा, देख लेना है ना। फिर है हींग का प्रयोग चिरकाली श्वसनी शोथ जो होती है, उदर शोथ, दांत दर्द, अजीर्ण, मंदाग्नि, आफरा, मूर्छा, पेट फूलना, मिर्गी आदि के रूप में किया जाता है। हींग से कई जो है आयुर्वेदिक योग जैसे कि हिंगवास्त्र चूर्ण, योग राज, गूगल, हिंग वट्टी आदि क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं।
हींग का प्रयोग मसाले के रूप में भी किया जाता है। लास्ट आपका औषधीय पादप दे रखा है हल्दी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है बेटा वो कंप्लीट होता है, और इसका जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितने भी स्पोर्ट्स है वो आपको मैं दिखा दूंगी, है ना, और प्रैक्टिकल वर्क मैं आपको जो है वो देना स्टार्ट करूंगी अब कल से।